तक इसमें ऐड करनी है, ठीक है। ऐसे आपने इसमें भर लेना है, मैं तो अंदाजे से डाल रहा हूँ ऐसे आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपने 15 से 20 ग्राम तक इसमें गोलियाँ डालनी हैं। तो ये मैंने पैक करके रखे हुए हैं। दो दर्जन का पैकेट बना सकते हैं, मैं इसमें एक दर्जन पैक कर रहा हूँ और एक दर्जन की आपको फिजिबिलिटी आपको बताऊंगा। ये हमारी 12 पैक नहीं है, इस तरह बंडल बनाना है। बंडल बनाने के बाद अगर आपके पास सीलर मशीन है तो वेरी गुड, नहीं तो आपने इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप किसी गर्म चीज़ के साथ ऐसे लगाएंगे तो ये सील हो जाएगी, मोमबत्ती के साथ भी आप पैक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सीलर मशीन है, मैं सीलर मशीन से पैक करूँगा। ठीक है, ये एक दर्जन का आपका पैकेट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे, अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज एक ऐसा कारोबार लेके आया हूँ जो आप कम इन्वेस्टमेंट से, कम पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। आप शहर से स्टार्ट करें या गांव से, क्वालिटी और म्यार अच्छा देंगे तो ये कारोबार कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। इसका डिमांड भी अच्छी है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। नाज़रीन, आज का बिज़नेस, आज का जो कारोबार है वो है स्वीट बॉल का पैकिंग का बिज़नेस है। स्वीट बॉल आपने पैक करने हैं, इसके अलावा बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो जिस आइटम को बच्चे पसंद करते हैं उसकी डिमांड पूरी करना मुश्किल होती है। आप शहर की दुकानों पर सेल करें या गाँव की दुकानों पर, आप इसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। इस पर मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुका हूं, लेकिन लोगों के कमेंट आते हैं कि रॉ मटेरियल के बारे में बताएं, तो आज मैं टोटली आपको बताऊंगा, इसकी फिजिबिलिटी बताऊंगा कि ये कितने में तैयार हो रहा है, कितने में सेल होगा, इसका जो खिलौना है, खिलौना आपको कहां से मिलेगा, स्वीट बॉल जो है वो आपको कहां से मिलेगा, गोली जो है वो कहां से मिलेगी, स्वीट जो सौंफ है, मीठा सौंफ है, शुगर कोटेड सौंफ, वो आपको कहां से और कितने का मिलेगा, डिटेल से बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको तैयार करके दिखाता हूँ कि आपने तैयार कैसे करना है। जी नाज़रीन, सबसे पहले आपको कप की ज़रूरत होगी, आपने कप रख लेने हैं, इस तरह खोल लेने हैं, ये बंडल के हिसाब से मिलते हैं। ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि कप कहाँ से और कितने का मिलेगा, ठीक है। ये खट्टी मीठी गोलियाँ हैं, ये आप देख रहे हैं खट्टी मीठी गोलियाँ हैं, ये आपने 15 से 20 ग्राम तक इसमें ऐड करनी है, ठीक है। ऐसे आपने इसमें भर लेना है, मैं तो अंदाजे से डाल रहा हूँ ऐसे आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपने 15 से 20 ग्राम तक इसमें गोलियाँ डालनी हैं। इस तरह आप पैक कर लें, आप मीठा सौंफ भी पैक कर सकते हैं इसमें, किसी में मीठी गोली डाल दें, किसी में आप मीठा सौंफ डाल दें, शुगर कोटेड सौंफ जिसको कहते हैं वो वाला आप डाल दें। ये भी आपने 20 ग्राम ही डालना है, 15 से 20 ग्राम तक आप डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं या अपनी मार्केट के हिसाब से डाल सकते हैं कि वहीं पर कितना चल रहा है, उस हिसाब से आपने डाल लेना है, लेकिन मैं 20 ग्राम इसमें डाल रहा हूँ। आपने इस तरह सारे कप भर लेने हैं, भरने के बाद आपने इसमें खिलौना रखना है, खिलौना कश्ती भी है, ठीक है, एक एक कश्ती रख देनी है। उसके बाद गुब्बारा भी है, उसके बाद ये डोंगा टाइप है खिलौना है, ये जो बच्चियां ख़रीदेंगी उनके लिए है, तो कश्ती भी है इसमें, आप गुब्बारा भी रख सकते हैं, और भी खिलौने आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये सीटी है, ये भी आप रख सकते हैं, ठीक है। इसको आपने इस तरह पैक कर लेना है, ढक्कन इसके साथ ही होता है, छोटा सा कप होता है, बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ख़रीदते हैं इसको। आप आसानी से हर जगह पे सेल कर सकते हैं, हर शॉप पे सेल कर सकते हैं, शहर गांव किसी भी जगह पे आप सेल कर सकते हैं, इसकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है। इसमें भी खिलौना लगा लेते हैं, कश्ती लगा देते हैं इसमें, इस तरह आपने इसको करना है पैक। पैक करने के बाद ये मैंने आपको ऐसे दिखा दिया है, बाकी मैंने पैक करके रखे हुए हैं। ये इस तरह के बंडल होते हैं, ये कप जो हैं ये गुरस में होते हैं, 500-1000 कार्टन होता है, वैसे आप कम भी ले सकते हैं, अगर आप कम लेंगे तो वो आपको महंगा मिलेगा। ये हमने पैक कर लिए हैं, अब हम इसका बंडल बनाते हैं। तो ये मैंने पैक करके रखे हुए हैं, ये आपने ट्रांसपेरेंट शॉपर लेना है, जो शॉपिंग बैग वगैरह सेल करते हैं वहीं से आपको 750 रुपये केजी मिल जाएगा। इसमें हम एक दर्जन पैक करेंगे और साथ में आपको गत्ते की ज़रूरत होगी, गत्ता आपने डॉक्टरी ले लेना है और अपने हिसाब से इसको काट लेना है।
हम नीचे गत्ता लगाएंगे। गत्ता लगाने के बाद ऊपर हम डबियां जोड़ देंगे। हम इसमें एक दर्जन पैक करेंगे। आप चाहें तो 30 पैक कर सकते हैं, 24 पैक कर सकते हैं, 2 दर्जन का आप पैकेट बना सकते हैं। मैं इसमें 1 दर्जन पैक कर रहा हूं और 1 दर्जन की आपको फिजिबिलिटी आप बताऊंगा कि 1 दर्जन कितने में तैयार हो रही है और सेल आपने कितने में करनी है। चार चार की 3 लाइन लगेंगी। ये हमारी 12 पैक हो गई हैं। इस तरह आपने बंडल बनाना है। बंडल बनाने के बाद अगर आपके पास सीलर मशीन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप किसी गर्म चीज़ के साथ ऐसे लगाएंगे तो ये सील हो जाएगी। मोमबत्ती के साथ भी आप पैक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सीलर मशीन है, मैं इस सीलर मशीन से पैक करूँगा। ये देखिए, ये आपका पैक हो चुका है। आप चाहें तो ये फालतू हिस्सा काट भी सकते हैं। ये देखिए जी, आपका पैकेट तैयार हो गया। ठीक है, ये 1 दर्जन का आपका पैकेट है। तो नाज़रीन, इसमें हमने 3 चीज़ें पैक की हैं। ये खट्टी मिठी गोलियां हैं, ये आपको 250 से लेकर 300 रुपये केजी मिलेंगी। ये माउथ फ्रेशनर है तैयार किया हुआ, इसमें मिश्री भी है, बारीक दाने हैं, सौंफ है, इलायची वगैरह है, सब कुछ इसमें डला हुआ है। ये भी आपको 250 से लेकर 300 रुपये तक केजी मिलेगा। ये है मीठा सौंफ, ये भी आपको इसी रेट पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कप की ज़रूरत होगी, तो कप जो है ये आपको 2 रुपये से लेकर 2.5 रुपये तक मिल जाएगा। आप फैसलाबाद से ले सकते हैं, लाहौर से ले सकते हैं, लाहौर पापड़ मंडी है, उर्दू बाज़ार है, वहीं से आप ले सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप रब्ता करके ये टोटली मटेरियल ख़रीद सकते हैं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं, इसके बाद आ गया खिलौना। ये जो खिलौना है ये 1000 खिलौना है और ये 200 रुपये का पैकेट है और इसमें 1000 खिलौना है। ये खिलौना तकरीबन 2 से 3 पैसे में कास्ट करता है। इसी तरह का आपने खिलौना ले लेना है। उसके बाद ये है कश्ती, ठीक है, बच्चों के लिए कश्ती है। ये भी 200 रुपये का 1000 आया है, 1000 पीस का पैकेट है और 200 रुपये में, ये भी तकरीबन 2 से 3 पैसे में कॉस्ट कर रहा है। तो नाज़रीन, अब ये जो एक कप है ये हमें कॉस्ट कर रहा है, एक कप जो है ये हमें कॉस्ट कर रहा है 6.22 पैसे में। दर्जन हमें कॉस्ट कर रही है 77 रुपये में। ठीक है, ये कप, इसमें मजदूरी भी हमने डाली है, खिलौने के पैसे डाले हैं, इसमें मटेरियल जो है, कप के पैसे, सारा टोटली डाल के एक कप 6.22 पैसे में कॉस्ट कर रहा है और दर्जन जो है वो 77 रुपये में कर रही है। आप सेल कर सकते हैं अपनी मार्केट के हिसाब से। आप मार्केट का विज़िट करें कि पहले कितने में सेल हो रहा है। 1-2 रुपये कम पैसे पे आप सेल कर सकते हैं। आप 7, 7.5, 8 रुपये तक सेल कर सकते हैं। अगर सेल्समैन ले रहा है तो आप उसको 7 रुपये, 7.5 रुपये में दे सकते हैं। अगर दुकानदार को आपने सेल करना है तो फिर आप 8 रुपये तक पर कप सेल कर सकते हैं। दर्जन 77 रुपये में है तो आप इसको 80-85 रुपये में दर्जन आसानी से सेल कर सकते हैं। अगर दुकानदार को आपने सेल करनी है तो आप 90-95 रुपये में भी सेल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। दोबारा फिर से मैं आपको बता दूं, ये जितना भी मटेरियल है, ये कप हैं, अक्सर ख़वातीन के मुझे कॉल्स आती हैं कि कप कहाँ से मिलेंगे, आप प्रोवाइड कर दें, मंगवा के दें। तो दूसरी बात यह है कि हम जो भी नया कारोबार स्टार्ट करते हैं उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाते हैं। तो ये हमने नया कारोबार स्टार्ट किया तो इस पर हम वीडियो बना रहे हैं। जितना भी मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर रब्ता करके आप इस मटेरियल को ख़रीद सकते हैं और अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। इस कारोबार को हर बंदा कर सकता है, खावतीन घर में बैठ कर कर सकती हैं और बच्चे भी इस कारोबार को आसानी से कर सकते हैं, अच्छी आमदन, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे।